आज मैं बना रही हूँ चिकन लपेटा। तो ये एक ढाबा स्टाइल रेसिपी है और ये सबसे पहले ढाबे पे ही मिलती थी, अब आजकल रेस्टोरेंट में भी मिलने लगी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया हाफ के जी चिकन लिया हुआ है और मैंने बड़े बड़े से पीसेस लिए हैं। आप चाहो तो नॉर्मल छोटे छोटे से पीसेस के भी चिकन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसमें इसको मैरिनेट करना होता है, तो यहाँ पर मैंने देखिए 100 ग्राम मैंने दही लिया हुआ है, 100 ग्राम दही है, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून है, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट है, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, एक छोटा सा नींबू का रस जाएगा। अगर आपके पास में नींबू नहीं अवेलेबल है तो 1 टी स्पून विनीगर ऐड कर दो। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा। तो ये फर्स्ट इसके अंदर मैरिनेट करना होता है, ये उसका मसाला है। ग्रेवी का मैं आगे बताऊंगी, तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर देते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है, सबसे पहले हम इसके अंदर नींबू का रस ऐड करेंगे, नींबू का जूस। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सारे ड्राई मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, और फिर इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। बेसिकली जो भी मैंने मसाले लिए हैं, सारे मसालों को हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बाद में हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, और चिकन ऐड करने के बाद में इसको 1 घंटे के लिए हम साइड में रख देंगे। आप चाहो तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हो, और अगर चाहो तो बाहर भी रख सकते हो। तो इसको मैं फर्स्ट मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। मसाले में चिकन ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को जो है मैंने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है, अब इसको हम 1 आवर के लिए साइड में रख देंगे। ये 1/2 आवर हो चुके हैं, तो अभी एक कढ़ाई ले ली है मैंने, कढ़ाई के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, और इसके अंदर ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे, और इसको हम बहुत ही अच्छे से कुक कर लेंगे। इसका जो भी मसाला है और इसके अंदर जो भी पानी है वो अच्छे से सूख जाना चाहिए, और चिकन जो है हमारा कुक हो जाना चाहिए। इतना हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। कुक हो रहा है, तब तक मैं आपको ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ 1, मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसको मैंने फाइनली चॉप कर दिया था, 2 मैंने बड़े टमाटर लिए, और उसके अंदर 4 मिर्ची लिए थी, हरी मिर्ची, और उसको भी मैंने एकदम फाइनली, मतलब इसको मैंने चॉपर में डाल के फाइनली चॉप कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं, आप चाहो तो एक भी ले सकते हो, ये सिर्फ हमको गार्निश करने के लिए यूज़ होता है। तो ये तीनों चीज़ हो चुकी है। ओके, अब मैं सूखे मसाले में मैंने लिया है यहाँ पर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, मतलब कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है धनिया पाउडर, यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा, हल्दी यहाँ पर 1/2 टीस्पून जाएगी, गरम मसाला 1 टीस्पून जाएगा, और यहाँ पर मैंने लिया है भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून। तो जो मैंने मैरिनेट करने के लिए लिया था सेम वही मसाले हैं, बट इसमें भुना कुटा जीरा जो है वो मैंने लिया हुआ है 1 टीस्पून, और यहाँ पर हम लेंगे दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, 3 हरी इलायची और 5 से 6 मैंने लौंग ली हुई है, कसूरी मेथी जाएगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अब मैं आपको बता देती हूँ, हमें यहाँ पर मैंने लिया हुआ है काजू और बादाम, मैंने यहाँ पर 10 काजू 10 बादाम लिए हैं, जिसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रख लिया था 1 घंटा पहले जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था, और यहाँ पर मैंने सेम एक मैंने प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, और जिसको मैंने इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लिया है, तो इसको और ये मतलब ये इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी, और इसके अंदर हमें लगेगा 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। तो चलिए अभी ग्रेवी बनाते हैं। कि जो हमने मसाला डाला था वो अच्छे से सूख चुका है, और इसको देखिए यहाँ पे ये देखिए ब्राउन मार्क्स भी आने लगे हैं, हमें ऐसा ही इसको कुक करना था। अब हम क्या करेंगे, इसको चारकोल का भाप दे देंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक फॉइल पेपर रख देती हूँ मैं। अब हम ये यहाँ पर मैंने ये चारकोल का जो पीस है इसको मैंने रखा था, अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम कवर कर देंगे, और इसको मैं ढक दूंगी और साइड में रख दूंगी, और ग्रेवी बनाएंगे हम। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें 1/2 कप ऑयल ले लिया है, पहले मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला था जब हमने चिकन बनाया था, और अब मैंने इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड किया हुआ है। यहाँ पर सारे जो गरम मसाले मैंने खड़े मसाले लिए थे वो मैं इसमें डाल दूंगी, लौंग और मैंने हरी इलायची और दालचीनी ली थी वो मैं इसमें डाल दूंगी, और थोड़ा सा इसको हम रोस्ट करेंगे फर्स्ट। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, और प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम अच्छे से इसको कुक कर लेंगे।
यहाँ पे देखिए प्याज का जो कलर है अच्छे से चेंज हो गया है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और इस पर जब तक रॉ स्मेल नहीं चले आ रही तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। करेंगे टमाटे और ग्रीन चिली, और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसके अंदर सारे ड्राई मसाले ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको 30 सेकेंड्स तक भून लेंगे। मसालों की कच्ची स्मेल जाने तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अभी अब यहाँ पर देखिए मैंने काजू बादाम और मैंने प्याज जो ली थी तली हुई उसको मैं पीस कर आ गई थी, तो उसका पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे, चलाते हुए ही अच्छे से भूनेंगे। और इसके अंदर जितना ये देखिए मतलब हाफ कप के जितना ये बाउल है उतना ही बाउल मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी, जो मसाले का पानी है वही मैं इसमें ऐड करूंगी, जो हमने काजू बादाम वगैरह पीसा था उसी का पानी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। अभी ये मैं इसमें डाल रही हूँ, पानी है ये, पानी ऐड कर रही हूँ, और इसको हम इतना भूनेंगे कि मसाले और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, दोनों भी सेपरेट हो जाए, मगर चलाते चलाते ही आपने इसको भूनना है, वरना ये होगा कि इसमें जो काजू बादाम है वो नीचे से लगता है, तो हमें इसको चलाते चलाते ही कुक कर लेना है। यहाँ पर देखिए ऑयल जो है मसालों से सेपरेट होने लग गया है, अब हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, कसूरी मेथी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके अंदर जो हमने चिकन पकाया था वो चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं ये चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ, और बस इसको हम 2 मिनट अच्छे से कुक करेंगे, और इसके बाद में हम अंडा पका लेंगे। अंडा मैं थोड़ा सा उसमें सॉल्ट ऐड करूंगी और अच्छे से अंडे को फेंट लूंगी, फिर आपको फ्राई करते टाइम दिखाती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट ही इसको कुक करना है, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए 2 मिनट मैंने इसको अच्छे से कुक किया, तो अभी देखिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 1 मिनट कुक करेंगे, और उसके बाद में हम अंडा फ्राई करने ले लेंगे। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ फर्स्ट, और 1 मिनट इसको मैं अच्छे से कुक करूँगी। अभी उसके 1 मिनट मैंने इसको फास्ट फ्लेम पर कुक किया, और ये जो चिकन लपेटा है हमारा बनकर तैयार हो चुका है, तो अभी हम अंडे को फ्राई करेंगे। देखिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है, और मैंने अंडे को अच्छे से फेंट लिया है, उसके अंदर 1 पिंच मैंने सॉल्ट ऐड किया था, ये मैं डाल रही हूँ अंडा, और इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अंडा जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अभी मैं इसे टर्न कर देती हूँ, और इसको हम अभी सर्व करेंगे। बस 30 सेकेंड्स कुक करूँगी, उसके बाद में मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी, और इसको हम सर्व करके दिखाते हैं। देखिए चिकन लपेटा जो है बनकर तैयार है। तो चलिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।